हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मोरेटोरियम से जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ जी न्यूज़ हिंदी में छपी है। इसमें डिटेल्स बताई गई कि अगर कोरोना काल में लोन चुकाने की टेंशन खत्म किस तरीके से हो सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो 2 साल तक EMI से आप लोग बेफिक्र हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा भी अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। चलिए दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। कोरोना संकट काल में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसी की सैलरी कम हो गई है तो किसी की नौकरी चली गई है। हालात तब बदतर हो जाते हैं जब लोन की EMI भरने का वक्त आता है। ऐसे मुश्किल वक्त में किसी ने अपनी FD तुड़वाई तो किसी ने अपना PF का पैसा निकालकर गुजारा किया है। नई दिल्ली, कोरोना काल में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले थोड़ी राहत RBI ने 2 बार दिए गए लोन मोरेटोरियम से जरूर मिली थी, लेकिन वो भी अब 31 अगस्त को ख़त्म हो रही है। इसके बाद लोग अपनी EMI कैसे भरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक एक स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि 1 सितंबर से ये लोन रिस्ट्रक्चर होना चालू हो जाएगा, उसमें भी वक्त लगेगा। इस स्कीम के जरिए किसी कैसे लोन की EMI में राहत मिलेगी और कौन इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, आइए उसे प्रॉपरली ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या है। बेसिकली इस स्कीम के तहत अब बैंक अपने ग्राहकों के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बदल सकेंगे। मतलब ये कि बैंकों के पास ग्राहक के लोन की अवधि बढ़ाने और पेमेंट होल्डे देने का भी विकल्प होगा। खबर ये भी है कि बैंक रिटेल लोन जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की EMI चुकाने के लिए ग्राहकों को अलग अलग विकल्प दे सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक की EMI को भी कुछ महीनों के लिए कम किया जा सकता है या फिर कुछ महीनों के लिए टाला भी जा सकता है। मिल रही खबरों के मुताबिक लोन छूट को अधिकतम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी ग्राहकों को 2 साल तक EMI नहीं भरने का भी विकल्प दिया जा सकता है। इसके अलावा लोन की ब्याज दर कितनी होगी, किस ग्राहक को कितनी छूट मिलनी चाहिए, इसके लिए बैंक फैसला खुद तय कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग से किसको फ़ायदा होगा। लोन रिस्ट्रक्चरिंग से सबसे ज़्यादा फायदा उन ग्राहकों को होगा जिनकी सैलरी कोरोना काल में कम हुई है या फिर जिनकी नौकरी ही चली गई है। ये भी पता चला है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम से ग्राहक डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आएंगे और ना ही लोन NPA में जाएगा। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब ये कि बैंकों की खुद की हालत टाइट हो रखी है, अपने NPA को बचाने के लिए वो इस तरह के ढकोसले कर रहे हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे। आगे चलते हैं दोस्तों। मोरेटोरियम से अलग है लोन रिस्ट्रक्चरिंग, ये जानना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद ये मोरेटोरियम जैसा ही है, तो नहीं दोस्तों, मोरेटोरियम से बिल्कुल अलग है। अब देखते हैं कि कैसे अलग है। अब अगर आप लोन मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं तो ये जानना जरूरी है कि दोनों में काफ़ी अंतर है। लोन मोरेटोरियम के तहत 6 महीने के लिए किस्तें नहीं चुकाने की छूट मिली थी, लेकिन इस दौरान ब्याज को आपके मूलधन में जोड़ा गया है। मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट था उसको आपके प्रिंसिपल में जोड़ दिया गया है और उसको फिर टोटल आउटस्टैंडिंग में काउंट कर लिया जाएगा। जबकि लोन रिस्ट्रक्चरिंग में बैंकों को ज़्यादा अधिकार मिले हैं। लोन रिस्ट्रक्चरिंग में बैंकों के ऊपर ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है, बैंक की मर्जी है वो किसका करेंगे किसका नहीं करेंगे। बैंक खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें आपकी EMI घटानी है या लोन की अवधि बढ़ानी है, सिर्फ ब्याज वसूलना है या ब्याज दर को एडजस्ट करना है। मतलब बैंक को ही पापा बना दिया गया इस केस में RBI ने। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग में कर्ज के मूलधन को किसी तरह के छूट मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। मतलब इसमें ये कहा गया कि अगर आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग कराते हैं तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें किसी तरह का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बैंकों की मनमानी फिर से स्टार्ट होने वाली है लोन रिस्ट्रक्चरिंग के केस में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।